तो फेल गेम फैमिली, क्या आप लोग तैयार हो आज खतरू टीम का अनडिफीटेड स्ट्रीक टूटते हुए देखने के लिए? क्योंकि आज रोमन ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना की टीम के खिलाफ जो टीम है ना, उसके तीनों के तीनों सुपरस्टार्स के फिनिशर्स बहुत ही कम रिवर्स होते हैं 2K23 में। तो इसलिए मैंने आज स्टार्टिंग में बोल दिया भाई कि खतरू टीम का स्ट्रीक इससे ज्यादा खतरे में आज तक नहीं आया था। और ये जो ड्रू मैकएंटायर, कॉडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की टीम है, इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आज ये लोग जीतने वाले हैं और खतरू टीम का अनडिफीटेड स्ट्रीक आज टूटने जा रहा है। तो तैयार हो जाओ उसके लिए। और फेल गेम फैमिली, जब तक आज का गेमप्ले स्टार्ट हो रहा है, आपको अपना काम पता है कि एकदम फटाक से वीडियो को लाइक करना है। और ऐसा है ना कि मैंने अपने YouTube एनालिटिक्स में देखा है कि आप में से बहुत लोग डेली वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। भाई तो ऐसा मत करो यार, सब्सक्राइब कर लो। ड्रू वर्सेस जॉन सीना से स्टार्ट हो रहा है। सीना आज तो बहुत ही अच्छा खेलना है, अगर स्ट्रीक बचाना है तो आज इनक्रेडिबल खेलना होगा, बहुत ही ज्यादा खतरनाक टाइप से। लेकिन सीना स्टार्टिंग में पिट रहे हैं, ड्रू मैकएंटायर अपना जलवा दिखा रहे हैं। अच्छा, ये टीम बहुत टाइम से आप लोग सजेस्ट कर रहे थे, पर आज सीना भी फुल तैयारी के साथ आए, एक फिनिशर लगा दिया। एसटीएफ रेफरी पता नहीं कहां देख रही है। ये टैप आउट तो नहीं करेंगे ड्रू मैकएंटायर, पर अच्छे ये वीक करते जाओ सीना, जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके ड्रू मैकएंटायर को एलिमिनेट करो। ड्रू कभी उड़ के जो क्लेमोर किक मारते भाई, तीनों का ऐसा फिनिशर है, बहुत कम रिवर्स होता है। ड्रू, रैंडी ऑर्टन और कॉडी की मैं बात कर रहा हूं, खास करके कॉडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन के फिनिशर। ड्रू आई थिंक क्लेमोर किक मारने जा रहे थे लेकिन पीछे ज्यादा डिस्टेंस था नहीं, इसलिए ड्रू ने अपना इरादा बदल लिया। सीना ने बस एक एसटीएफ लगाया, उसके बाद फिर से सीना मार खाने लगे। सीना एक काम करो, टैग दे दो, बॉडी भी येलो हो गई है। कॉडी को टैग मत देना भाई साहब, ये तो आते के साथ फिनिशर लगाएंगे। तैयार हो जाओ क्रॉस रोड्स के लिए। मैं जान ही रहा था रिवर्स ही नहीं होता है भाई, इसीलिए भाई आज तो गया खतरू टीम के स्ट्रिक। सीना ही लगता है पहला एलिमिनेशन जॉन सीना का होने वाला है। ये वाले सीना अच्छा खेलते हैं, पता नहीं अच्छा खेल भी रहे, ट्राई कर रहे हैं। सीना एक और फिनिशर मत खाना, सीना अपना फिनिशर देने का ट्राई कर रहे थे। अरे अरे सीना गलत आदमी को फिनिशर, बहुत बड़ी गलती सीना, वो भी कॉडी खराब करवा देंगे, मुझे लग रहा था। ओ खराब करवा दिया कॉडी ने, लेकिन सीना का फिनिशर नहीं किया, ये अच्छी बात है। और सीना ने फिनिशर रिवर्स करा, नहीं भाई नहीं 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 नहीं। सीना एक काम करो, टैग दे दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। रोमन या ब्रॉक तड़प रहे आने के लिए, दोनों में से किसी को भी टैग दे सकते थे लेकिन सीना ने अपना ए लगा दिया, बहुत बढ़िया। रिवर्स मत करना कॉडी, रिवर्स मत करना, नहीं क्या नहीं क्या नहीं क्या भाई। फेल गेम फैमिली, मुझे लग रहा है ना कि हम सब ने मिलकर इतना कंप्लेन करा ना कि ए में डबल रिवर्सल होता है, आजकल होना बंद हो गया। और नजर मत लगाना भाई, पता चला कोई नया अपडेट आया फिर ए में डबल रिवर्सल होने लगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हटा दिया है डबल रिवर्सल, वो नहीं किया है, वो तो नहीं हटाया, वो तो होता है लेकिन कम होता है, जैसे 5 बार में 1 बार डबल रिवर्सल हो रहा है, तो ये अच्छी बात है, ये सीना के लिए अच्छी खबर है। और ब्रॉक लेसनर के भी फिनिशर में 2-2 रिवर्सल है, तो ब्रॉक का भी कम हो तो ज्यादा अच्छा है। कॉडी रोड्स पर फिनिशर कैसे तो नहीं दे रहे। सीना टैग दे दो, अच्छा किया अच्छा किया। एक्टिव मैच बनाई इसीलिए कि जब लगे कि पिट जाओ तो टैग दे दो। डबल टीम अप, रोमन 2 फिनिशर दिए बिना जाना मत। कॉडी को लगता नहीं है कि 2 फिनिशर में एलिमिनेट हो गए, लेकिन ट्राई करो, रोमन ने भी बहुत अच्छा कनेक्ट कर दिया है। कॉडी रोड्स टैप आउट तो नहीं करेंगे, पर रेजिलेंसी यूज कर दी कॉडी ने। कॉडी ये गलती करती, ऐसे रेजिलेंस को उतना भी काम नहीं है, ज्यादातर तो लोग नॉकआउट ही होंगे। रोमन फिनिशर पड़ जाएगा, रोमन हाँ ध्यान दो, आज गलती करने का टाइम नहीं है रोमन, गलती से भी गलती नहीं करना है क्योंकि स्ट्रीक बहुत ज्यादा खतरे में है। ये तीनों ही ऐसे सुपरस्टार है ना, कॉडी, रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकएंटायर, कि ये अकेले 1v3 भी कर सकते हैं। और रोमन को लगा दिया फिनिशर, रोमन को मैंने बोला था, समझाया था, लेकिन रोमन की भी गलती नहीं है भाई, क्रॉस रोड्स तो लगना ही है मैच में। कॉडी रोड्स के पास अगर 10 क्रॉस रोड्स रहते ना, यानी कि 10 फिनिशर रहते ना, तो बहुत ज्यादा चांस है कि 10 में से 1 भी रिवर्स नहीं होगा। कॉडी का फिनिशर पता नहीं, ओ देखो रोमन का फिनिशर छिना गया एक स्पीयर। कॉडी के पास एक और क्रॉस रोड्स है, अगर रोमन को बैक टू बैक 2 फिनिशर लगा, रोमन एलिमिनेट हो सकते हैं। खतरू टीम के अगर ट्राइबल चीफ चले गए भाई, वो भी स्टार्टिंग में। अच्छा रोमन, ब्रॉक को टैग देना, आज बहुत ही अच्छे से टैग चल रहा है। खतरू टीम भी लगता है कि इनको खतरा समझ रही है भाई, अच्छा ही कर रहे हो खतरा समझ के। F5 में डबल रिवर्सल नहीं हुआ, बच गए ब्रॉक लेसनर, पर ड्रू मैकएंटायर भी एलिमिनेट नहीं हुआ है भाई। रेजिलेंस चली भी जाती रैंडी ऑर्टन तो ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं, पिनफॉल तो लास्ट ही वाले आदमी का हो सकता है, उससे पहले थोड़े आसार कम ही रहते हैं पिनफॉल होने के, ऊपर से रेजिलेंस जब है पास में तो फिर तो चांस ही नहीं है। ड्रू मैकएंटायर को एक और फिनिशर कोई लगा देना, ड्रू एलिमिनेट हो जाएंगे। ब्रॉक एक फिनिशर, लो रे 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 भाई क्या स्मूथ लगा है, क्लेमोर के काफी स्मूथ था पता है। अभी तक सांप रैंडी ऑर्टन को तो टैग ही नहीं मिला है, वो भी काफी डेंजरस आदमी है, 2-2 फिनिशर लेके बैठे हुए हैं। ड्रू मैकएंटायर के पास एक और फिनिशर है, ब्रॉक अवॉइड करना, कोशिश करो कि क्लेमोर किक ना ही लगे। एक भी आदमी खतरू टीम के स्टार्टिंग में एलिमिनेट नहीं होना चाहिए, वरना ये लोग डिसएडवांटेज में चले जाएंगे।
कॉडी या रैंडी ऑर्टन में से कोई एलिमिनेट हो गया ना, तब ठीक है, तब खतरू टीम बच सकती है। अगर दोनों में से किसी को एलिमिनेट कर दिया, ऐसे ड्रू मैकइंटायर भी 1v3 कर सकते हैं। ड्रू का भी फिनिशर अभी तक तो रिवर्स नहीं हुआ है, लेकिन ड्रू का भी फिनिशर ऐसा कि रिवर्स हो जाता है। कॉडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन का खास करके फिनिशर ऐसा है भाई कि ना के बराबर चांसेस हैं। मतलब एआई को ऐसा बनाया कि इन दोनों का फिनिशर रिवर्स मत करो। रोमन तक का स्पीयर आजकल रिवर्स हो जाता है। ये लो ड्रू मैकइंटायर रोमन के ऊपर हाथ साफ कर रहे हैं। उधर ब्रॉक लेसनर अपने समर स्लैम के दुश्मन कॉडी रोड्स पे अपना गुस्सा उतार रहे हैं। ब्रॉक का अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, गुस्सा गुस्सा बाद में खेलना ब्रॉक। अरे ब्रॉक मार खा रहे, मुझे लगा ब्रॉक पे, अरे सीधा को लपेटने की क्या जरूरत थी सबको। उधर ब्रॉक भी मारी खा रहे शायद, पता नहीं कैमरामैन दिखाए तो नहीं, नहीं नहीं ब्रॉक पीट रहे। कैमरा एंगल जब जब चेंज हो रहा है, मैटर ही चेंज हो जा रहा है। नहीं रोमन और सीना दोनों स्टंड है। रैंडी ऑर्टन की फुल हेल्थ पता नहीं कैसे इस मैच में, लेकिन रैंडी ऑर्टन को टैग ही नहीं मिला है और रैंडी ऑर्टन की फुल हेल्थ है। बाहर भी निकल के ऑर्टन को किसी ने मारा नहीं है, तो रैंडी ऑर्टन सही जा रहे हो। रोमन टैग लेना चाह रहे थे, लगता ब्रॉक है भाई। 3-1 हो गया है, ब्रॉक की कहानी यहां पर खत्म होगी। रिवर्स कर दिया ब्रॉक, बहुत बढ़िया ब्रॉक, अब अपना फिनिशर लगाने का। अरे इतना वेट क्यों करते ब्रॉक लेसनर, टैग दे दो। हाँ ये भी अच्छा आइडिया है। अरे जाने मत तो, जाने मत तो। कॉडी रोड्स आ रहे, कॉडी के पास फिनिशर रन लगा दिया। रिवर्स नहीं होता है भाई, नहीं होता, मैंने बोला ना सबका फिनिशर रिवर्स होते हुए देख लोगे। कॉडी का होता है, ऐसा नहीं है, रोमन ही करते हैं ज्यादातर। रेफरी को गिराने की क्या जरूरत थी, रोमन रोमन को भी पिनफॉल करने के लिए कोई है ही नहीं भाई। आप लोग कर दो 1-2-3 कॉडी रोड्स एलिमिनेट। रैंडी ऑर्टन आगे बचाने 2-3 होने से पहले ऐसे अब रेफरी पिनफॉल भी धीरे धीरे करेगी, पर पिनफॉल से उतना मतलब नहीं है, ज्यादातर तो लोग नॉकआउट ही होंगे। ब्रॉक इतना मार खा गए, अब लग रहा है कि ब्रॉक का टाइम हो गया है एलिमिनेट होने का। कॉडी के पास सिग्नेचर फिनिशर दोनों है, लेकिन ब्रॉक को हल्के में मत लेना, ब्रॉक टैग दे दो। हाँ अच्छा रहेगा, ब्रॉक टैग दे सकते थे, थोड़ा रिलैक्स कर लो, ब्रॉक की हेल्थ बहुत कम है। रिलैक्स नहीं करा भाई ब्रॉक ने। रोमन और ब्रॉक ने अपना अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया। नीचे कॉडी रोड्स पिट रहे हैं। रैंडी ऑर्टन कैसे बचे हो भाई अभी तक? रैंडी ऑर्टन की हेल्थ नहीं देख रहे हो, फुल हेल्थ है, कोई भी बॉडी पार्ट तक डैमेज नहीं है। और क्रॉस रोड्स लगा दिया कॉडी रोड्स को, कॉडी की फिनिशर से एलिमिनेट करा सीना, बहुत ही जबरदस्त लाजवाब सीना। अब एलिमिनेट भी मत होना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट एलिमिनेशन जॉन सीना ने करा भाई, ये वाले सीना बना कर ना मैंने बहुत अच्छा करा। नहीं सीना के फैंस को अच्छा लगता होगा, 2K के ऑफिशियल सीना बहुत बेकार थे, ये वाले सीना अच्छे। अगर 2K के ऑफिशियल वाले सीना रहते तो अभी तक गारंटी में नहीं लेता, शायद 99% चांस था कि वो एलिमिनेट हो चुके रहते। रैंडी ऑर्टन पता नहीं आपस में बात कर रहे हैं, वॉइसेस इनको सुनाई दे रहा है। रोमन को टैग मिल गया, रोमन घुसने के साथ स्पीयर, बहुत हेल्थ बचा ली ऑर्टन ने। सुपरमैन पंच भी चलेगा, रोमन हेल्थ कम करना स्टार्ट कर दो। एक आदमी एलिमिनेट हो गया, वो भी मेन आदमी कॉडी रोड्स। अब शायद खतरू टीम का स्ट्रीक शायद बच जाए, क्योंकि ये जो रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकइंटायर है ना, ये दोनों भी 1v3 कर सकते हैं, इनको भी लाइटली मत लेना, खास करके ऑटन को। कल ऑटन का यार टावर नहीं हो पाया था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लाइव जब हम लोग करेंगे ना तब करेंगे, क्योंकि कल आप लोग जानते हो कि लैग करने लगा था, वाईफाई ने धोखा दे दिया भाई एक्चुअली। लेकिन कोई बात नहीं, एक सिग्नेचर एक फिनिशर, पर रैंडी ऑर्टन टैप आउट करने के मूड में नहीं है ना, रेजिलेंस तक नहीं गई ऑटन की। ऑटन तो कुछ ज्यादा ही पिट गया, मैंने ऑटन को बहुत ज्यादा हाइप कर दिया था भाई। कल तो टावर में भी अच्छा खेल रहे थे ऑटन, लेकिन आज पिट गए। खतरू टीम का दिन अच्छा है, ऑटन अगर अच्छा खेलने लगते तब दिक्कत हो जाती। ड्रू ने अपना सिग्नेचर लगा दिया भाई रोमन को, ऐसे अब रोमन ब्रॉक और सीना तीनों पिट गए, और ऑटन और ड्रू मैकइंटायर दोनों के पास दो दो फिनिशर है भाई। क्या लग रहा है, अभी भी लग रहा है कि खतरू टीम हारेगी? नहीं नहीं, मुझे डाउट है, कुछ तो आज 3-5 होने वाला है। मुझे आज स्टार्टिंग ही से भाई शंका हो रही है इस बात की कि शायद आज खतरू टीम के स्ट्रीक का आखिरी दिन है। मतलब कैरेक्टर्स से हारे हैं ये लोग, लेकिन WWE सुपरस्टार की टीम से अभी तक 2K23 में नहीं हारे, बच गए रोमन। बहुत ही सही टाइम पे रिवर्स करा है। ड्रू का क्लेमोर किक बल्कि ज्यादा रिवर्स होता है, इसलिए अभी खतरू टीम के लिए फायदा है कि कॉडी रोड से एलिमिनेट हो गए। उनके पास इतना फिनिशर रहता भाई, एक आदमी को वो लपेट लेते। रोमन टैग दे दो, अब लग रहा है कि टैग देना, रोमन ने टैग देना जरूरी नहीं समझा। दो फिनिशर और एक सिग्नेचर के साथ ऑटन आ चुके रिंग के अंदर, और फिनिशर के लिए नहीं जा रहे, अच्छी बात है। रोमन टैग, अरे पिनफॉल करवाने की जरूरत थी नहीं, जो कि ऑब्वियसली होने वाला तो है नहीं। अभी रोमन टैग देने के लिए कोई है नहीं, ब्रॉक लेसनर है टैग देने के लिए। रोमन चाहो तो टैग दे सकते हो, ब्रॉक लेसनर, सीना हाँ अपनी जगह पे आ जाओ सीना, ताकि टैग मिले सीना को। सीना ही आ रहे हैं, सांप वर्सेस नेवला, एक बार फिर से सीना वर्सेस ऑटन भाई। ये मैच इतना देख लिया था ना रियल लाइफ में कि दिमाग खराब हो जाता था जब इन दोनों का मैच होता था, कि फिर से ऑटन वर्सेस सीना
लेकिन जब होता था मजा आता था, पता है कभी इन दोनों ने डिसअपॉइंट नहीं करा अपने मैच में। आज वही सब मैच को मिस करते हैं भाई। एक टाइम पे रॉ पे इतने अच्छे अच्छे मैचेस होते थे, अब तो रॉ पता नहीं क्या हो गया, लेकिन एक टाइम पे सीना, रैंडी ऑर्टन, ये लोग रॉ में परफॉर्म करते थे, रॉ में इनका मेन इवेंट होता था। आज तो भाई जो मेन चैंपियन है रोमन वो आते नहीं, ब्रॉक लेसनर वो भी बस एक दो मिनट के लिए ही आते हैं, और सीना तो शायद साल में एक बार आ जाए, वो भी बड़ी बात है। तो पता नहीं अब क्या हो गया WWE को भाई, कुछ नया चाहिए WWE में। ये जो पार्ट टाइम वाला जॉब वाला सिस्टम है ना, ये ब्रॉक लेसनर ने निकाला है, पता है, चैंपियन बनो फिर आधे टाइम के लिए गायब हो जाओ, ये सबको ब्रॉक ने सिखाया है। तो सीना ऐसा है ना कि कुछ ज्यादा ही मार पड़ गई है, एक और फिनिशर और पहला एलिमिनेशन खतरू टीम की तरफ से जॉन सीना होगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूं। जॉन सीना भागो, आरक्यू रिवर्स कर देना सीना, वरना टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा। बहुत पिट गए सीना, बच गए, मुझे लगा था कि डेफिनेटली सीना जाएंगे लेकिन बच गए, पिनफॉल नहीं हुआ सीना, लेकिन अब भागने की तैयारी करो। इतना पिट गया है ना सीना कि नॉर्मल किसी मूव से भी एलिमिनेट हो सकते हैं। नहीं नहीं सीना, नॉर्मल मूव से एलिमिनेट मत होना, भागने का। हाँ ब्रॉक को टैग दे दो, ब्रॉक के पास तीन तीन फिनिशर है, ब्रॉक को ही देना, बहुत अच्छा। सीना मेरी बात सुनते हैं, ब्रॉक को टैग लगाया, ब्रॉक फिनिशर के लिए क्यों नहीं गए? एक एलिमिनेशन होने वाला है क्या? दोनों टीम फिर से बराबर में आने वाली है। अगर ऑर्टन ने एक एलिमिनेशन कर दिया, जो कि मुश्किल लग रहा है, नामुमकिन नहीं लग रहा, बैक ब्रेकर ऑर्टन, ओ अपना फिनिशर नहीं दे रहे, ड्रू को टैग दे रहे हैं, ड्रू आ रहे हैं, ब्रॉक संभल कर क्लेमोर किक के लिए ही चाहते, लेकिन क्या मस्त उठाया भाई ब्रॉक ने, रास्ते में से उठा लिया F5, ड्रू मैकइंटायर भी एलिमिनेट। अब ऑर्टन बच गया, अब चिल मारो, अब तो स्ट्रीक बची जाएगी, बच जाएगी, ब्रॉक गए, मां कसम चिल मत मारो, चिल मत मारो, क्योंकि अब रैंडी ऑर्टन बचे हुए, उनके पास एक और फिनिशर भी है। और अभी मुझे लग रहा है कि जॉन सीना ही लीगल आदमी, जो कि पहले से बहुत पिट गए, नॉर्मल मूव से भी मैं बता दे रहा हूं कि एलिमिनेट हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, सीना मारी मत खाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी तरह ऑर्टन को अपना फिनिशर लगाओ सीना। वैसे सीना और ब्रॉक दोनों ने एक एक एलिमिनेशन करा है, अगर रोमन भी एक एलिमिनेशन कर दे भाई तो काफी फिल्मी मैच हो जाएगा, लेकिन मजा आएगा। पर रोमन को एक एलिमिनेशन करना होगा। सीना अंदर भागो, काउंट आउट से भी एलिमिनेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रीक बचाने के लिए कुछ भी चलेगा, लेकिन हाँ नॉकआउट करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं स्ट्रीक तो बच जाएगी, लेकिन अगर मजेदार तरीके से बचती है ना तो और मजा आता है। सीना टैग दे दो रोमन को, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सीना ज्यादा पिटे हुए हैं, रोमन उतना भी मार नहीं खाए, उनका हेड सिर्फ येल्लो है। रैंडी ऑर्टन होश में आ जाओ, जल्दी अंदर जाओ, दस मत करवाना। हाँ सांप और नेवली की लड़ाई ऐसे नहीं खत्म होनी चाहिए, दोनों ने अपना अपना फिनिशर ट्राई करा लेकिन किसी का कनेक्ट नहीं हुआ, होता है होता है, ऐसे सब मिस हो जाता है कभी कभी। ऑर्टन के पास रेजिलेंसी तक है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑर्टन को टैग ही नहीं मिला था, इसलिए ऑर्टन ने अपनी अच्छी हेल्थ बचा ली है। पिनफॉल तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ऑर्टन का पिनफॉल हो सकता है रेजिलेंसी जाने के बाद, लेकिन सीना का नहीं होगा, क्योंकि रोमन है ना बचाने के लिए बार बार। सीना फिनिशर, बच गए, फिर दो बार लकी साबित हुए सीना। अब सीना गलती मत करना, वरना सेकंड एलिमिनेशन हो जाएगा, वन ऑन वन पे बात आ जाएगी, जो कि मैं नहीं चाह रहा हूं। 1v3 ऑर्टन कर सकते हैं, अगर एक आरक्यू लगा भाई टाटा हो जाएगा। सीना संभल के बहुत अच्छे जा रहे हो सीना, डबल रिवर्सल वाले शॉट्स क्यों मारते हैं सीना भाई, गलती कर देते हैं, आरक्यू ही देने के चक्कर में ये आदमी, ये पक्का कभी भी एलिमिनेट हो सकते हैं सीना, स्टंड हो गए, पंट की गारे भाई, अब तो कोई नहीं बचा सकता सीना को, अब कोई नहीं बचा सकता, अब तो एलिमिनेट होना ही है। रोमन घुसने के साथ स्पीयर लगाना, सीना तो गए, रोमन स्पीयर, अगर स्ट्रीक बचाना है, रोमन ने स्पीयर लगाया और उधर से आरक्यू भी लगा था, जो कि दोनों कनेक्ट नहीं हुआ। रोमन अब ये आर पार पे बात आ गई है, 1v3 ओके, स्ट्रीक खत्म होने से बचा लिया रोमन ने, पर ऑर्टन के पास रेजिलेंस है, दिक्कत, ऑर्टन 1v3 करने वाले भाई। रोमन के पास सिग्नेचर है, ऑर्टन के पास फिनिशर है, ये होती है नेल बाइटिंग सिचुएशन, कौन फिनिशर पहले लगाएगा, क्या लगता है? रोमन जीत गए, ऑर्टन इतना पिटे हुए थे कि नॉकआउट हो गए, रोमन ने बचा लिया स्ट्रीक, आज टूटते टूटते बचा है। Here are your winners, the superstar, Roman Reigns, and Brock Lesnar. आज कसम से लग रहा था कि खतरों टीम का स्ट्रीक गया, लेकिन ऑलमोस्ट इतने से बचा है, पता है अगर रोमन एक गलती भी कर देते स्ट्रीक आज जाने वाला था, लेकिन ऑलमोस्ट बच गया किसी तरह। और फेल गेम फैमिली, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।